नमस्कार स्टूडेंट, मैं आज की वीडियो में जो लेकर के आया हूँ, ये हमारा जो आज का जो टॉपिक होने वाला है, ये UMT के ऊपर हमारा टॉपिक होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि UMT ने मीडिया टेक के बारे में एक बहुत अच्छा अपडेट निकाला हुआ है। मीडिया टेक का 0.8, जैसा कि आप देख रहे हैं, मीडिया टेक ने बहुत काफी सारे अपडेट्स निकाले हुए हैं। तो आज जो हमारा जो नया अपडेट आया है, जो अभी आज के डेट में ही आया हुआ है, मीडिया टेक का 0.8, जिसमें मीडिया टेक के कुछ ऐसे मॉडल थे जो नहीं हो पा रहे थे, और या वीवो के ही सिक्योरिटी के मोबाइल फ़ोन थे जो अनलॉक टूल के माध्यम से तो हो जाते थे, लेकिन UMT के माध्यम से नहीं हो पा रहे थे प्रॉपर तरीके से। तो इस डोंगल ने इसका तरीका बहुत अच्छा निकाला है कि इसके माध्यम से भी आप उन मोबाइल फ़ोन को भी आप अनलॉकिंग कर सकते हैं। तो आज मैं जो नया अपडेट में क्या क्या नई चीज़ें अपडेट आई हुई हैं, क्या क्या अपडेट फीचर नया आया हुआ है, और इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, मैं उसके बारे में आज आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक स्टूडेंट कानपुर से बात कर रहा हूँ। ये जो ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है, ये सागर मार्केट में है, और हम लोग पूरा आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं। और जो कानपुर रेलवे स्टेशन है, कानपुर रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में है, आप चाहें तो यहाँ पर आ करके आराम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से ट्रेनिंग होता है, ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका आपको सिखाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं कि इस टूल का कैसे यूज करेंगे, इसके माध्यम से हम लोग मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर करने वाले हैं, इसका तरीका हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, हमको चलना पड़ेगा अपने UMT सपोर्ट के ऊपर। डोंगल है, डोंगल को सिस्टम से कनेक्ट कराना है। सिस्टम से कनेक्ट कराने के बाद आपको UMT सपोर्ट जो ओपन करना है। अगर आप देखेंगे तो आपके स्क्रीन में ये UMT सपोर्ट आता है, इस UMT सपोर्ट को आप ओपन करेंगे। जैसे UMT सपोर्ट को ओपन करेंगे तो ओपन करते ही आपके स्क्रीन में खुल जाएगा, कह रहा है ऑलरेडी पहले से खुला हुआ है, पहले से खुला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए खुला हुआ है ऑलरेडी, बिल्कुल सही है, रिस्टोर किया तो ये हमारा खुल गया। इसके अंदर देखिए नया फीचर आया, आप इंस्टॉलर में जाएंगे, जैसे आप इंस्टॉलर को सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करते ही ये ओपन करने को बोलेगा। अब इसमें देखिए मीडिया टेक का हमारा नया आया हुआ है 0.8। देखिए क्या नया हुआ है, मैं एक बार आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ सभी स्टूडेंट्स को। ये नया आया हुआ है 8.8, पहले 7 था, 8 आ गया। 8 में क्या क्या चीजें नई अपडेट हो गई मैं आपको बता रहा हूँ। ओके स्टार्ट, पहले हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो डाउनलोड होने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या नई चीज़ें अपडेट आ गई। ये हमारा डाउनलोड हो गया दोस्तों, हम लोग लोकेशन पे जाएंगे, लोकेशन ओपन हो जाएगी। लोकेशन ओपन होने के बाद 0.8 कहाँ पर है ये हमको पहले इसमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी पहले से डाउनलोड हैं, सभी बच्चे लोग इसमें प्रैक्टिकल करते हैं ऑलरेडी, इसमें जितने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं सब डाउनलोड करके लोड कर देते हैं। आप मीडिया टेक 0.2, 0.7, क्वालिकॉम, मीडियाटेक, आप एक एक करके हमको देखना पड़ेगा कहाँ पर आया है, कहाँ पर आया है हमको सर्च करना पड़ेगा। ये देखिए अल्टीमेट मीडियाटेक 0.8, ये पहले 0.7 था, 0.8 आ गया। अब इसको आपको क्या करना है, स्ट्राइक क्लियर करना है। क्या करना है, एक्सट्रैक्ट हियर, जैसे एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो खुल करके आ जाएगा। ये देखिए ये इसका सेटअप खुल के आ जाएगा। अब इस सेटअप को आप क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इंस्टॉलेशन जैसा ऑप्शन आपका चालू हो जाएगा, ये बोलेगा आप क्या आप इनको इंस्टॉल करना चाहते हैं, यस करेंगे, आपके स्क्रीन में इंस्टॉलेशन वाला फीचर खुल जाएगा। ये देखिए आई एक्सेप्ट, उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो देखिए इसमें क्या क्या नई चीजें फीचर आ गई। सबसे पहले जो फीचर अपडेट हुआ है, इसमें सबसे पहली चीज अपडेट हुई है बेटा वर्जन। दूसरा एडेड न्यू प्री लोडर, मतलब जो नए प्री लोडर के मेथड के मोबाइल फोन है वो सारे इसमें ऐड किए गए हैं। देखिए क्या ऐड किया गया है, इन्फिनिक्स के अंदर जो ये CPU लगा होता है 6739 61, 63, 65, 68, 81, 85, 33, 70, 93 या इन्फिनिक्स का 67, 65, 67, 68, ओप्पो रियल मी के ये सारे CPU हैं, जो मीडिया टेक के खास करके सारे CPU हैं सब ऐड किए गए हैं।
उसके बाद जब आप देखेंगे सैमसंग के सारे मॉडल ऐड करे गए हैं सैमसंग में, जैसे सैमसंग A03S अभी नया सेट है, A04 नया सेट है, A04 ये भी नया सेट है, ये सैमसंग के MT6833 का S ये भी नया सेट है। वीवो को देखिए बहुत सारे मॉडल ऐड हुए हैं जो पहले नहीं हो पाते थे, अब वो सारे अब इसके माध्यम से हो जाएंगे। इन्फिनिक्स के मॉडल ऐड हुए हैं, इन्फिनिक्स है ये देखो, ये सारे ओप्पो नोट 7 2C2 5G ये मॉडल जो था वो नहीं हो पा रहा था, वो भी सब मॉडल इसके अंदर ऐड हुआ है। Y12 17 15 ये देखिए बहुत सारे ऐसे मॉडल थे जो रिटर्न जा रहे थे, आप इसके माध्यम से आसानी के साथ में हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें फीचर ऐड हो गए। अगर आप देखेंगे तो आप इसको नेक्स्ट करेंगे, जैसे नेक्स्ट करेंगे तो इसमें इंस्टॉलेशन के लिए सेटअप हमारा चालू हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल हमारे स्क्रीन में इंस्टॉल होकर के आ जाएगा। अब इंस्टॉल करके हम लोग देखेंगे क्या क्या नई नई चीज़ें हैं जो अपडेट है जो इंस्टॉल होकर के आ गई हैं, और उनको हम लोग कैसे यूज करेंगे, उसके माध्यम से मोबाइल फोन कैसे ठीक करने वाले हैं, उसका तरीका समझने वाले हैं। नेक्स्ट फिनिश आ जाएगा। लीबस फिल्टर ड्राइवर इंस्टॉल करने को बोलता है बार बार, कोई भय नहीं इसमें, वैसे इंस्टॉल है ये ऑलरेडी। हम लोग इसको क्लोज करेंगे, जैसे क्लोज करेंगे तो देखिए UMTS सपोर्ट 0.8 हमारे पास आ चुका है, हम लोगों ने ये आ गया है, इसको हमने ओपन किया। जैसे ओपन करेंगे तो स्क्रीन पे हमारा सॉफ्टवेयर खुल करके आ जाएगा। ये MediaTek का अपडेट आया हुआ है UMTS के अंदर, बहुत अच्छा फीचर है। अभी जैसे मैं अनलॉक टूल के बारे में बहुत सारा वीडियो मैंने निकाला है, सभी लोग आप लोग देख रहे हैं, लेकिन जो नए नए अपडेट फीचर आते हैं वो नए नए अपडेट फीचर आते हैं, नए नए अपडेट फीचर को हम लोग क्या करते हैं एक एक करके समझते रहते हैं और हम भी आपको समझाते हैं। देखिए मैंने आपको बताया हमारे पास जो भी MediaTek CPU को मोबाइल फोन आते हैं उन मोबाइल फोन में इसमें मॉडल लेने की कोई जरूरत नहीं होती, मतलब कोई भी आपको मॉडल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ ऐसे ही कर सकते हैं। कैसे सारे देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सब ब्रांड मॉडल ऑटो, ऑटो का मतलब अपने मन से। हमारे फोन में जो फॉर्मेट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो पहला तरीका होता है ब्रूम मोड, क्या तरीका होता है ब्रूम मोड का, दूसरा तरीका होता है प्री लोडर मोड का। तो इसमें से कुछ मोबाइल फोन सर ऐसे हैं जो प्री लोडर मोड की सिक्योरिटी से ब्रेक हो रहे हैं, कुछ मोबाइल फोन ऐसे हैं जो ब्रूम मोड की सिक्योरिटी के साथ में ब्रेक हो रहे हैं। जबकि इन्फिनिक्स ने हमारा दिया हुआ है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्फिनिक्स ने प्री लोडर के बारे में सिक्योरिटी ब्रेक करने का तरीका दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, डिसेबल ऑथ पे यहाँ क्लिक करते हैं तो ब्रूम मोड ले जाता है, यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो आपका प्री मोड ले लेता है। अगर आप यहाँ पर देखिए जैसे दोस्तों क्लिक करते हैं तो ये कौन सा आता है प्री लोडर मोड, और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये ब्रूम मोड रहता है। तो पहले आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आएगा तो पहले आप ब्रूम मोड से करेंगे, ब्रूम मोड करने के बाद क्या करेंगे प्री लोडर मोड से करेंगे। प्री लोडर मोड में जाएंगे, प्री लोडर मोड में जाने के बाद आप यहाँ पर सर्विस में जाएंगे, सर्विस में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे फैक्ट्री रीसेट मेटा मोड में जाएंगे। फैक्ट्री रीसेट मेटा मोड में जब ऑप्शन आ जाएगा तो फैक्ट्री रीसेट मेटा मोड करने के बाद क्या करेंगे एग्जीक्यूट कर देंगे। अच्छा ये मेटा मोड का तरीका है, काफ़ी पहले टाइम होता था, अब फिलहाल इसकी कोई खास जरूरत नहीं होती, अब इसका नहीं होता। उसके बाद दूसरी बात क्या है फॉर्मेट FS जो ये ऑप्शन होता है, यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे सेफ मोड फॉर्मेट एक फिक्स रिकवरी मोड का ऑप्शन बढ़ गया है, जिसे रिकवरी मोड में जा करके आप कर सकते हैं। सेफ मोड फॉर्मेट FS ये भी ऑप्शन आया है, रीसेट FRP दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप फॉर्मेट FRP करके एक बार क्या कर देंगे एग्जीक्यूट कर देंगे। जैसे आप एग्जीक्यूट कर देंगे तो एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर ऑपरेशन चालू हो जाएगा और आप प्लस माइनस बटन दबा करके मोबाइल फोन को कनेक्ट करा दीजिए। जैसे प्लस माइनस बटन दबा के आप मोबाइल फोन को कनेक्ट कराएंगे तो आपका मोबाइल फोन फॉर्मेट हो जाएगा, फॉर्मेट होने के बाद उसमें लॉक खुल जाएगा। तो ये दोस्तों कौन सा तरीका दिया हुआ है ब्रूम मोड का। उसके बाद स्टॉप करेंगे, स्टॉप करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे प्री लोडर में जाएंगे। प्री लोडर में जाने के बाद जहाँ पर हम प्री लोडर में जाएंगे, प्री लोडर के बाद फिर यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर इन्फिनिक्स है, MediaTek के ये सारे CPU, जैसे आपके पास MT6765 CPU आ गया तो MT6765 ले लीजिए। अब वो MT6765 किसी भी मोबाइल फोन में लगाओ। अच्छा CPU के बारे में तुमको पता कैसे चलेगा, वो आप लोग GSM Arena से पता कर सकते हैं। कैसे GSM Arena से पता कर सकते हैं, जैसे आपके पास कोई मोबाइल फोन आया उस मोबाइल फोन में आप लॉक खोलना चाहते हैं तो लॉक खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल पे जाना पड़ेगा। आप गूगल पे चले गए, गूगल पे आपने GSM Arena के माध्यम से आपको उस चीज का इन्फॉर्मेशन पता लगा लेना है। कैसे, एग्जांपल सी बात मैं आपको बताता हूँ।
जैसे हमारे पास आ गया सैमसंग A03S, GSM अरीना। हमने A03S GSM अरीना डाला। जैसे A03S GSM अरीना डाला तो देखिए सैमसंग का ये वाला मॉडल है, काफी अच्छा मॉडल है। अभी ज्यादा इसको डेट नहीं हुआ, 2021 का ये है, 2 साल पुराना है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो इसके अंदर चिपसेट 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 कहाँ है चिपसेट हमारा, इसके अंदर चिपसेट देखिए दोस्तों मीडियाटेक लगा है। और क्या लगा हुआ है? मीडियाटेक MT6665। क्या लगा हुआ है? मीडियाटेक MT6665। मैं इसको इस बात को मैं हाईलाइट करता हूँ आपको, MT6665। जैसे MT6665 लगा हुआ है, हम लोग MT6665 को इसको क्लोज करते हैं। ये हमने देख लिया, देखने के बाद फिर होम पे गए, फिर हम लोगों ने अपना स्क्रीन लिया, और अगर 6665 जब मैंने सीपीयू को मैंने आपको जिक्र किया था, तो यहाँ पर जब मैं प्री लोडर में जाता हूँ तो प्री लोडर में देखिए यहाँ पर MT6665 ऑप्शन आता है, 6665 दिखा रहा है। अब देखिए यहीं पर अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए नीचे ये आ गया 6665 ऑप्शन आया हुआ है। तो यहाँ पर जाकर के आप 6665 सीपीयू को ले लेंगे। सीपीयू लेने के बाद फॉर्मेट FS फॉर्मेट करना चाहते हो कि आप FRP हटाना चाहते हो, ओके करिए, एग्जीक्यूट करिए। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे ऑपरेशन चालू हो जाएगा और प्लस माइनस दबा करके मोबाइल फोन में डाटा केबल को कनेक्ट करा देंगे। जैसे आप डाटा केबल को कनेक्ट करा देंगे तो डाटा केबल को कनेक्ट कराते ही आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाएगा, मोबाइल फोन कनेक्ट होते ही हमारा मोबाइल फोन फॉर्मेट हो जाएगा। तो अगर हम जो अगर नए की बात करते हैं कि इसमें क्या ऐसी चीज है जो नई ऐड हुई है, उसका अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए वो हमारा ये सारे मॉडल हमारे नए ऐड हुए हैं। ये फिलहाल पहले के टाइम में मोबाइल फोन नहीं थे, अब ये सारे मॉडल इसमें से ऐड हो गए हैं। आप लोग अगर देखेंगे, देखिए ये सारी नई चीजें हैं जो इसमें ऐड हुए हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, जो नया ऐड हुआ है ये वर्जन के अंदर, ये सारी नई चीजें ऐड हो गई हैं। ये आप सैमसंग के मोबाइल फोन, इन मोबाइल फोन को भी आप इसके माध्यम से अनलॉक कर सकते हैं, जो पहले हमारा नहीं हो पाता था, अब वो आसानी साथ में हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आज की वीडियो में मैंने आपको मीडियाटेक सीपीयू के बारे में बताया है कि मीडियाटेक सीपीयू को जो नया 0.8 जो नया अपडेट आया है MTK वर्जन 0.8, जो नया अपडेट आया है, मैंने नया अपडेट के बारे में मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है, और इस वीडियो के माध्यम से आप मीडियाटेक सीपीयू के नए सारे मोबाइल फ़ोन को आप अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको आशा करता हूं कि मैंने आज आपको जो भी वीडियो के बारे में मैंने आपको समझाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के बारे में समझ सकते हैं। हम लोग सर यहाँ पर बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कम्प्लीट ट्रेनिंग देते हैं। सभी बच्चों को पूरा फुल्ली प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाता है और बिल्कुल ट्रेनिंग का जो बिहेवियर रहता है बिल्कुल यूजर फ्रेंडली रहता है कि आप कोई भी चीज़ को आते हो आसानी से समझते हो, आसानी से पूछते हो। एक चीज़ को आप हजारों बार पूछिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि हमको पता है हमारे पास जो भी बच्चा सीखने वाला आता है उसको नॉलेज नहीं होती। अगर उसको नॉलेज होती तो शायद वो सीखने के लिए क्यों आता। तो आप हमारे पास जब ट्रेनिंग के लिए आएंगे तो बिल्कुल ए से लेकर जेड तक सभी चीज़ों के बारे में सीख करके जाएंगे। इस वीडियो से संबंधित मैंने चैनल पर और भी बहुत सारा वीडियो डाला है, आप उस वीडियो को देखें, ताकि आपको अगर हो सकता है कि आपको पहली बार में ही ये वीडियो मिला है तो इससे संबंधित और भी बहुत सारा वीडियो है, अगर आप पीछे बैकग्राउंड में जाकर के देखेंगे या चैनल में जाकर के देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको क्लियर हो जाएगा। और कोई परेशानी कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर का कोई भी टूल चाहिए या कोई भी प्रोफेशनल हार्डवेयर का टूल चाहिए या कोई इक्विपमेंट चाहिए तो भी आप गाइडेंस ले सकते हो, पूछ सकते हो कि सर कौन से लेना है, कैसे लेना है, कहाँ से मिलेगा। हमारे पास से भी आप ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, ताकि हम अपने जो रिपेयरिंग करने वाले बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल ओरिजिनल सामान प्रोवाइड कराते हैं ताकि उनसे अच्छी तरीके से काम करें। और कोई प्रॉब्लम परेशानी आती है तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। और वीडियो को प्रॉपर देखें, प्रॉपर देखने के बाद सर मैं आपसे एक बात की गुजारिश करना चाहता हूँ कि वीडियो को शेयर भी करें, चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात क्या है कि अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप सबको सारी चीज़ें समझ में आई हैं,
सारी बातें समझ में आई हैं तो आप सर एक मैसेज जरूर करें। और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो आपको मिल रही है, तो हमारा जो नीचे दिया हुआ नंबर 6391711711 6391211211 इसमें से किसी नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें और व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना है उससे आप जुड़ जाएंगे। उससे जुड़ने से रहेगा कि और भी नई नई वीडियो अपडेट्स वीडियो हैं वो भी आपको वीडियो आपको मिलती रहेंगी, जिससे आप कुछ चीज़ों के बारे में सीखते रहेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।